वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 जून 2023 और 9 जून 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर कौन सी टीम विजेता रही, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह ये 6 बजे आपको रोजाना क्लास मिलती है बढ़िया तरीके से। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास के बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं, इसके साथ साथ सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के सुनील कुमार ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन पर आधारित नेविगेशन का पहला प्रदर्शन किया, ये किया है अपने देश भारत ने। किस शहर का एम्स अस्पताल राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल बना है, वो है नागपुर शहर का। भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज चेन्नई से किस देश के लिए रवाना हुई, तो ये हुई है चेन्नई से श्रीलंका के लिए। किस महिला को द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये किया गया है निर्मला लक्ष्मण को। किस देश के पुरुषों और महिलाओं ने फीफा 3x3 विश्व कप जीता 2023, तो ये सर्बिया के पुरुषों और अमेरिका की महिलाओं ने जीता है। भारत के दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवाती तूफान विपोर जो आया है, और इस चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने दिया, ये दिया है बांग्लादेश ने। और जो बंगाल की खाड़ी में आया था उसका नाम है मोर्चा, कौन सा है, मोर्चा चक्रवाती तूफान है, आया था बंगाल की खाड़ी के अंदर। रिटेल कंपनी एस्ट्रेटल ओमानी प्राइवेट लिमिटेड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये बनाया है स्मृति मंदाना को। किसको बनाया है, स्मृति मंदाना को। और कल मैंने आपको बताया इसके अंदर एक है थोड़ी सी, मैंने आपको बताया कि प्यूमा की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हरमनप्रीत कौर है, कौन सी है, कल मैंने स्मृति मंदाना बता दिया था, थोड़ा उसमें सही कर लेना, क्योंकि जो प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर है वो है हरमनप्रीत कौर, ये आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब स्टार्ट करें आज की क्लास, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, देखिए पहला क्वेश्चन, ट्रैफिक से बचने को बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, लगा लो स्टार, पक्का ही एग्जाम के अंदर टपकेगा, बड़ा ही शानदार पॉइंट है आपके लिए कि ट्रैफिक से बचने को बिना ड्राइवर वाली एक ड्रोन टैक्सी है और ये उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, वो बना है इजराइल देश, कौन सा बना है, इजराइल देश बना है। और ये तस्वीर के अंदर देख सकते हो ये है बिना जो है ड्राइवर वाली, यानी कि बिना ड्राइवर इसको चलाएगा, और ये ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला पहला देश कौन सा बना है, इजराइल। इसको क्या है अपने कहीं पर भी पहाड़ों पर है या किसी समतल जमीन पर है, कहीं भी अपने जब वहां अपना मन करे कहीं भी इसको उतार सकते हैं और कहीं से भी इसको उड़ा सकते हैं, तो ये पहला देश बना है, कौन सा, इजराइल देश। देखो मुख्य तथ्य, इजराइल ने व्यस्ततम सड़कों पर ट्रैफिक का तोड़ निकाला है, ठीक है, व्यस्ततम सड़कों पर क्या है, एक ट्रैफिक का तोड़ निकाला है कि सरकार द्वारा 2019 में लॉन्च किए गए नेशनल ड्रोन इनिशिएटिव के तहत इजराइल ने बिना ड्राइवर ड्रोन टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। यह किसी भी समतल जगह या जमीन से सीधे उड़ान भर सकता है, तो ये आप बिना ड्राइवर वाला है और इसको कहीं भी उतार सकते हो, कहीं से भी इसको दोबारा अपने उड़ान इसकी भर सकते हैं, तो ये ऐसा दुनिया का पहला देश बना है, वो है इजराइल देश। दूसरा प्रश्न देखो आपके सामने, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर रहा है, और कल मैंने आपको स्पेशल एक इसकी क्लास भी दे दी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहां पर इसका आयोजन हुआ, कौन सा इसका शुभंकर था, कौन सी टीम विजेता रही, किसने इसका उद्घाटन किया, कितने शहरों में इसका आयोजन किया गया, पूरी डिटेल मैंने आपको अलग से इसकी
लगभग 5-7 मिनट की वो क्लास है, वो आप देख लेना। तो मैंने आप बढ़िया तरीके से आपको क्लास दे दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पहले स्थान पे कौन विजेता रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी। और ये तस्वीर के अंदर देख सकते हो, ये है पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर टॉप पर रही है। और इसका जो है तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था, कौन सा तीसरा संस्करण इसका आयोजन किया गया, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक यानी कि टोटल 69 पदक के साथ सबसे टॉप पर है रही है। उसके बाद में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 68 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही और जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक है वो 32 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है रही है। तो 2020 के अंदर क्या है, इसका पहला संस्करण कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर के अंदर। उसके बाद में 2022 के अंदर हुआ, फिर 23 के अंदर, अब उत्तर प्रदेश के अंदर इसका तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। बाकी पूरी डिटेल मैंने कल वाली क्लास में बता दी है, वो क्लास आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स के महिला वर्ग में भारत की लक्षिता विनोद संदेला ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स के अंदर महिला वर्ग में भारत की लक्षिता विनोद संदेला ने पदक जीता है, गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। देखो ये दक्षिण कोरिया के येचियो में चल रहे एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स के महिला वर्ग में भारत की लक्षिता विनोद संदेला ने 1500 मीटर रेस के अंदर पूरी करके एक स्वर्ण पदक जीत लिया है। कितने मीटर के अंदर रेस है? 1500 मीटर रेस के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। और वहीं पुरुषों के 1500 मीटर रेस में मेहदी हसन ने कांस्य हासिल किया है। तो महिला के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया महिला ने, और पुरुषों के अंदर 1500 मीटर के अंदर मेहदी हसन ने, पुरुष हैं ये, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये भी बड़ा ही शानदार पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है और उनका नाम है एन मुथमिज सेल्वी। थोड़ा सा नाम कठिन है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एन मुथमिज सेल्वी ये है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बन चुकी है। देखो तमिलनाडु के खेल विकास और युवा कल्याण मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन ने माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला एन मुथमिज सेल्वी को सम्मानित किया है। तो तमिलनाडु पर इन्होंने क्या, तमिलनाडु की ये पहली महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो वहां के जो तमिलनाडु के जो खेल राज्य मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन ने उनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखो, किस दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश ने बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने, कौन सा ऐसा दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश है जिसने बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया? और ये किया है ईरान देश ने। किसने किया है? ईरान देश ने सफल परीक्षण किया है। देखो मुख्य तथ्य, दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश ईरान ने 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 25 मई 2023 को किया है। ठीक है, और तरल ईंधन से संचालित इस मिसाइल को खेबर नाम दिया गया है। अब ये ज्यादातर आपके लिए जरूरी है, नाम एग्जाम के अंदर आपको पता है पूछा जाता है। तो ये जो खेबर मिसाइल है किसके द्वारा जो है परीक्षण इसका किया गया, तो ये ईरान देश के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। कब इसका किया गया? 25 मई 2023 को इसका परीक्षण किया गया। ये नाम ध्यान रखना, कोई भी मिसाइल का नाम या कोई भी हेलीकॉप्टर का नाम आ जाए बस वो नाम आपको याद रखना है, और ये देश किसके द्वारा भी लॉन्च किया जाता है वो आपको याद है रखना है। अगला क्वेश्चन, किस ऑफिसर ने एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पदभार संभाला है? ऐसे कौन से ऑफिसर है जिन्होंने एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पदभार संभाला? और वो है राजेश कुमार आनंद, ऑप्शन नंबर बी। कौन है? राजेश कुमार आनंद। देखो 1 जून 2023 को एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद जिन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था, इनको क्या है जनवरी 2022 के अंदर क्या है एक विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया, और इनको अब एयर ऑफिसर इनचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एओए के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। और जनवरी 2022 में उन्हें उनकी असाधारण सेवा के लिए
भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। कब है? जनवरी 2022 के अंदर हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मान ये दिया गया था। नेक्स्ट देखो, एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स कौन बने हैं? तो ये आपको पता ही है, सबसे टॉप पर चल रहे हैं मुकेश अंबानी और अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं और वो आ चुके हैं गौतम अंडानी। ठीक है, एशिया के अंदर दूसरे नंबर पे आ चुके हैं गौतम अंडानी और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है मुकेश अंबानी। तो एशिया के दूसरे अमीर शख्स कौन बन चुके हैं? मुकेश अंबानी। अंडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अंडानी फिर एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। उन्होंने चीन के अरबपति जोंग सान सान को पीछे छोड़ा। किसको छोड़ा है? ये चीन के अरबपति हैं जोंग सान सान को पीछे छोड़ा। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी 85.2 अरब डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। तो अभी आपको बताया दुनिया में भी सबसे दुनिया के अंदर आपसे सबसे टॉपर कौन है? तो एलन मस्क है। मैंने कल परसों बताया उन्होंने वो उसको पीछे छोड़ दिया, डोनाल्ड को और रोनाल्डो को उनको पीछे छोड़ दिया एलन मस्क ने। और यहाँ पर गौतम अंडानी ने किसको पीछे छोड़ दिया? जोंग सना सान सान को पीछे छोड़ा। अब एशिया के अंदर आपसे पूछे तो मुकेश अंबानी टॉप पे है, दूसरे नंबर पे कौन है? गौतम अंडानी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये किया है ए के जैन को। ऑप्शन नंबर एक, किसको किया है? ए के जैन को केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखो मुख्य तथ्य, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष ए के जैन को नियुक्त किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पूर्व कोयला सचिव ए के जैन को 5 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया है। यानी कि अब आने वाले जो 5 वर्ष है वो अब इनको 5 वर्ष के लिए इनको नियुक्त कर दिया। किसको? ए के जैन को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है जनार्दन प्रसाद को। ऑप्शन नंबर एक, किसको किया गया है? जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रसाद ने 174 साल पुरानी संस्था की कमान संभाली है और उन्होंने डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है। तो डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया इन्होंने क्या 2020 के अंदर पदभार संभाला और अब किसने संभाल लिया? जनार्दन प्रसाद को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। लगभग 174 साल पुरानी इस संस्था को इन्होंने कमान संभाली है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्कशन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे। लगभग 10,300 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। हमारी मेरी जो शाम को 8 बजे क्लासें आती है और जो सुबह ये करंट की क्लास है उसकी पीडीएफ, और शाम को 8 बजे जो क्लास आती है जैसे पुरस्कार, वर्तमान में कौन क्या, कल मैंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स करवा दिया उसकी पीडीएफ है, वो सब आपको मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारी कोई भी सूचना, कोई भी लिंक, कोई भी पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध होती है। अब देखो पिछले वीडियो को क्या था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है सेलेस्ट सोलो को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब कल एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था कि सर जो EORO वाली करंट अफेयर्स है, कौन है EORO वाली जो करंट अफेयर्स की आपको ऐप के अंदर टेस्टरी चल रही है उसके अंदर क्या है कि कोई भी टेस्टरीज नहीं डाली जा रही, तो वो उसका एग्जाम हो चुका है EORO का 14 मई को। इसके बाद में हमने इसमें कोई टेस्टरीज नहीं डालेंगे, वो टेस्टरीज हमने बंद कर दी है। अब वर्तमान के अंदर एक तो आल एग्जाम वाली यानी कि पूरे साल वाली करंट अफेयर्स की टेस्टरी चल रही है, एक तो ये चल रही है आर एग्जाम 2023 वाली, इसके अंदर आपको पूरा करंट मिलेगा पूरे साल का, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद में हमारी ये टेस्टरी चल रही है इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट सूचना सहायक भर्ती वाली, इसके अंदर आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान करंट तीनों का आपको करंट अफेयर्स इसमें मिल रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत जल्दी आपके लिए आज या कल संगणक वाली जो संगणक भर्ती है उसके लिए भी आपको करंट अफेयर की जो टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट है होने जा रही है, और ये भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये भी आप जरूर है ज्वाइन कर सकते हो। और ये एक हमारी BSTC एग्जाम यानी कि DEL एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है,
इसका जो मैटर है वो शिव सर के द्वारा तैयार किया जाता है मात्र 99 रुपए के अंदर, नहीं मात्र 99 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें 3 टेस्ट डाले जा चुके हैं। तो आपको लगभग सिलेक्ट दिया है, इसमें 2 दिनों बाद में इसका टेस्ट होता है, तो 3 टेस्ट इसमें डाले जा चुके हैं, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस देश के राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? अमेरिका, बांग्लादेश, भारत, जापान? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। ये थी हमारी आज की क्लास और शाम को मिलते हैं अपनी 8 बजे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अच्छी तरह से क्लासे देखें, निरंतर आप बने रहिए, पढ़ते रहिए और सुबह आप ये लगातार इस सुबह करंट वाली जो लगातार क्लास आपको मिलती है ये आप जरूर ज्वाइन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।